मैं मौजूद हूँ मैन टोल रोड पर, जो लखनऊ को हाईवे निकला है। यहाँ पर मेरी मुलाकात हुई भाई से हमारे, इनसे बात करेंगे, पूछेंगे। भाई क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम शुभम चौहान है। शुभम चौहान, ये निकले भाई चार धाम यात्रा पर पैदल, मेरठ से रहने वाले हैं और आप देख रहे हैं गर्मी किस तरह से है, और ये भाई निकले हैं पैदल चार धाम की यात्रा पर। मेरी शुभकामनाएं हैं इनको कि चार धाम ये सुरक्षित पहुँचे, और थोड़ी सी और बात करेंगे इसे भाई से। किस कोई मेन टारगेट अपना, कोई मेन पर्पस कोई किस ले भी सर? सबसे पहले तो मैं, मेरी जो इच्छा है वो चार धाम बार ज्योतिर्लिंग के दर्शन है, बहुत बड़ा। साथ ही मैं एक मैसेज के साथ चल रहा हूँ कि आप जल बचाइए और जितना हो सकते हैं पेड़ लगाइए, और मेरी एक और मैसेज है युवाओं के लिए कि नशा छोड़िए, जितना हो सकता है आप नशे से दूर रहिए। ये मेरा मैसेज है जो मैं जनता तक पहुँचाना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात कही। देखिए जो पैदल चलने का इनका महत्वपूर्ण योगदान है वो इसी का है कि जल बचाना है, पेड़ लगाना है, क्योंकि जल ही जीवन है। अगर जल नहीं बचाएंगे तो आने वाली भविष्य पीढ़ी का मतलब दिक्कतें पैदा होंगी। तो बहुत अच्छा संदेश दिया भाई ने, बहुत ही बढ़िया। मैं इनको शुभकामनाएँ देता हूँ कि इनका जो ये पैदल यात्रा है सफल रहे, और मैं कामना करता हूँ भाई से, और दिखाऊँगा मैं इनका। ये देखेंगे आप, ये जा रहे हैं चार धाम की यात्रा पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आपका ये वो चैनल है भाई।